हेलो एंड वेलकम बैक एरियन। क्या लेते सभी का फिर से स्वागत है सभी का एक और न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो देखो यार आज के इस वाली गेम प्ले के अंदर गाइस काफी ओपी वाली फाइट होगी। और हाँ लोबी के अंदर गाइस एक ऐसा बंदा आता है जो कि यार गाड़ी उड़ा रहा होता है, तो उस मैच के अंदर अपना चिकन भी होने वाला है। क्या लगता है क्या हम उस बंदे को मार पाएंगे? तो बस यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब इस वाले मैच के अंदर देखो मैं खेला था सोलो से स्क्वाड, और भाई मैं उतर जाता भाई स्टेडियम के अंदर और मेरे साथ यानी कि स्टेडियम के अंदर भी एक स्क्वाड यहाँ पे लैंड कर लेती। मैं देखो तीन बंदों को नॉक कर चुका था, अब चौथे बंदे के पुश्ते पार थे नीचे की साइड से। अब ये बंदा भी पता नहीं नॉक हुआ क्योंकि सालसेन का आखिरी वाला बंदा जो कि वापस से रिवाइव हो चुका था। अब देखो इसी के साथ ये वाली स्क्वाड तो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। अब इस वाली स्क्वाड को निपटाने के बाद अब पहले तो मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट करता हूँ जल्दी से। और जैसे मेरी यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट होती है ना, अब तभी देखो पहले तो सामने की साइड अब वहां पे देखो मेरे को एक बोट स्पॉट हुआ था, मैं उसको काफी डैमेज देता बट उसका किल यहाँ पे मतलब कोई और ही बंदा लेके जाता जो कि शायद अपार्टमेंट की साइड होता है। और वो बंदा इसी साइड भी मतलब फायरिंग वगैरह कर रहा होता था भाई, मेरे को लगा वो बंदा मेरे को मारा। तो पहले तो मैं यहाँ पे नीचे आके मतलब थोड़ी बहुत लूट करने जाता हूँ। अब देखो जैसे उस वाले बंदे की साइड में देखता हूँ वहां पे तो बंदा स्पॉट नहीं होता तभी हिल के ऊपर। अब यहाँ पर भी मेरे को बोट स्पॉट था बट इस वाले बोट का किल भी भाई कोई और ही बंदा लेके जाता, मतलब भाई क्या ही सीन हो रहा था, मतलब आसपास इतने सारे जादूगर होते हैं। फिलहाल सामने मेरे को बंदा स्पॉट हो चुका है, अब वो बंदा किसी और बंदे को मारता, मैं भी यहाँ पे उस वाले बंदे को थोड़ा सा भी डैमेज देता हूँ। उसके बाद मेरे को पता है वो बंदा जादूगर है तो मेरे को यहाँ पे पहले जीत ही चाहिए होगी। तो पहले तो मैं नीचे की साइड आता, तो यहाँ पे लूट वगैरह कंप्लीट कर ही रहा होता तो तभी ना मेरे को स्टेडियम की साइड से फिर से यहाँ पे पुष्टि पाते, मतलब स्टेडियम में बंदे आ चुके हैं। और भाई जैसे मेरे को पुष्टि पाते ना मैं पहले यहाँ पे ग्रेनेड कुक कर लेता हूँ। और देखो बंदा सामने से, बंदा थोड़ा सा लकी होता मतलब सही टाइम पे वो बंदा उस वाले रूम के अंदर चला गया। अब यहां पे देखो दो बंदों को मैं इजीली नॉक करता हूं। अब इस वाले बंदे को फिनिश करने का पूरा ट्राई किया बिकॉज उस वाले बंदे के बाद जीत रही होती है। वो बंदा भाई फिर से निकल के भाग चुका, मतलब उसको एमओ रजिस्टर नहीं हुआ नॉक होने के बाद। तो पहले तो मेरे को लगा जो अपार्टमेंट वाले बंदे थे ना वो सर इसी के ही टीममेट हो गए, तो भाई मैं उसी साइड आता हूं देखने के लिए कि भाई नॉक वाला बंदा यहीं पे गया होगा, बट यहां पर नहीं होता, मतलब मेरे को पता था भाई दूसरी साइड गया होगा। मैं जैसे इस साइड आता हूं अब तब आता ये वाला स्प्रे एंड मैं समझ चुका भाई ये शायद उसी के टीममेट हो सकते हैं जो कि शायद सामने मतलब जो शेक है ना भाई वहां पर होगा। बट ये वाला बंदा तो भाई गलत ही स्प्रे दे रहा होता है। अब यहां पे देखो काफी देर में होल्ड के ना तो बंदा दिखता है और नहीं आता है, तो भाई मेरे को लगा बंदा जा चुका है यहां पर। बट यार बंदा स्टिल वहीं पे था जो कि शायद मेरे को ही देख रहा होता। फिलहाल देखो नॉक वाले बंदे का किल मेरे को यहाँ पे मिल चुका था, तो भाई यहाँ पर मेरे को पता था मैं ओपन में नहीं जा सकता बिकॉज मेरे पास ना तो जीत रही और भाई नहीं मैं उन बंदों से यहाँ पे फाइट ले सकता हूँ। तो भाई यहाँ से मैं फुल तौर पे रोटेट मारता मतलब वापस से स्टेडियम की साइड से। अब देखो मेरे को सर्कल में भी जाना था। अब यहाँ पे देखो सामने मेरे को बंदा तो स्पॉट हुआ था भाई, मेरे को लगा भाई इससे पहले शेक के पास जाके यहाँ पे टीपी भी लूंगा, पर यार बंदा ना मेरे को शेक तक पहुंचने ही नहीं देता, मतलब जिससे पहले वो मेरे को फिनिश कर लेता है। ऐडा बात है इस वाले मैच के अंदर जहां पे मतलब भाई बंदा ना भाई लिटरली फ्लाइंग कार मतलब गाड़ी को उड़ा रहा होता है। अब यहां पर पहले तो मैंने सोचा कि भाई चलो एग्जिट मार लेते हैं, मतलब भाई बंदा गाड़ी उड़ा रहा है तो मतलब कोई फायदा नहीं है। बट उसके बाद भी थोड़ी सी हिम्मत करके हम लोग मैच खेल ही लेते हैं। और भाई इस वाले मैच के अंदर गाइस हम खेल लेते भाई डुअल स्क्वाड, और भाई हम लोग उतर जाते भाई स्टेडियम के अंदर हमारे साथ ही।
अब यहाँ पर देखो ज्यादा बंदे तो नहीं उतरते, बट दो ही बंदे उतरे, दोनों को मैं नॉक कर चुका था। अब इन दोनों बंदों को मैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। इन दोनों को फिनिश करने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पे लूट करते हैं, और भाई लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहां से देखो गाड़ी लेने जाने ही वाला था, तभी मेरे को ये जोनाथन सेट वाला बंदा दिखता। पहले इसने जो स्प्रे दिया उससे मेरे को लग रहा था कि शायद ये बंदा जादूगर नहीं है, तो भाई मैं डीपी से जैसे इसको फायर करने लगा ना भाई, बंदा गलत वाला डैमेज देता है, तो मैं समझ चुका है भाई बंदा थोड़ा सा गलत है, तो यहीं पे टीपी भी लेने लग जाता हूँ। एंड उस बंदे का ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था ना, वो बंदा देखो ओपन में आ रहा है, और मतलब तुम देख रहे हो उसकी स्पीड। अब यहाँ पे देखो मेरे पास G3 होती है भाई, मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, मतलब यहीं पे टीपी भी लेके रखना था। और देखो उसके थोड़ी देर बाद बंदा जैसे ही क्लोज आता है, अब इसको मेरा टीममेट नो करता है, वो भी यार स्टेडियम से, वो भी M16 से, तो भाई मतलब गलत सीन लग रहा था मेरे को यहाँ से। थोड़ा बहुत शक हो, अगर तुमको क्या लगता है वो कमेंट में बताना। फिलहाल देखो यहाँ पे इस वाले बंदे को फिनिश करने के बाद अपार्टमेंट की साइड से कुछ गन साउंड्स आ रहे थे, तो भाई यहाँ से मैं गाड़ी लेके सीधा अपार्टमेंट जाता हूँ। दो बंदों को यहाँ पे नो करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, हेलो, अब पहले मेरे को लगा ये बंदा साले से अभी मीटअप कर रहा है। कहाँ से हो भाई? हाँ, अब पता नहीं ये बंदा मतलब कुछ अलग ही बातें कर रहा होता है। इधर आओ नंबर दो। यहाँ पर बंदा आईडी वगैरह मांग रहा था, जो कि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था, और ये दोनों बंदे आराम से फिनिश भी हो जाते हैं। अब इसके बाद गाड़ी लेके सीधा हम इस डिस्ट्रिक्ट की साइड आते हैं, और यहाँ पर आते ही ये दोनों बंदे मिल जाते, दोनों को हम लोग इजीली फिनिश करते। उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके फिर से, अब गाड़ी देखे हम लोग सीधा यहाँ पे थर्ड हिल की साइड आ जाते, क्योंकि यहीं पे एक ड्रॉप भी होता है, और देखो गाड़ी वगैरह भी खड़ी है, तो मतलब बंदे होने चाहिए यहाँ पर। और देखो जस्ट यहाँ पे ऊपर की साइड से बंदे के पुश्ट बाते है, अब इसको तो यार इजीली नॉक एंड फिनिश करता हूँ। सामने बगी स्पोर्ट होती है, इसको मैं यहाँ पे स्प्रे कर ट्राई करता, बट वो बंदा यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ से गाड़ी देखे देखो उस बगी का पीछा करने जा ही रहा होता हूँ, और तभी देखो सामने एक और बगी स्पोर्ट होती है। और मतलब भाई क्या ही डैमेज दिया मेरे को, अब देखो बाकी के अंदर दो बंदे होते हैं, इसमें से एक तो भाई मेरी टीममेट यहाँ पे निपटा देती है। अब देखो दूसरा बंदा बचा था, यानी कि लास्ट वाला बंदा, तो मेरे को पता था बंदा उस साइड जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस साइड आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को लगा बंदा शायद यही आसपास ही कैंप कर रहा होगा, और तभी मतलब यार हम लोग इतने पास में बैठे हैं, बट ये बंदा भाई दूर से फाइट ले रहा था, और भाई इस वाले बंदे को निपटाने वाला देखो बंदा सामने था, जो कि शायद पुल के पास होता है, एंड देखो वहां पे एक टीम मतलब दो बंदे है। मार्क द लोकेशन, स्प्रे देने का ट्राई करता हूं, बट यार बंदे को सिर्फ डैमेज होता है। फिलहाल इसका दूसरा बंदा था वो क्लोज इन करने के मूड में था, वॉच आउट, इसको तो मैं इजीली अभी नॉक करता हूं। अब देखो इसका जो दूसरा बंदा था ना वो यार पीछे की साइड से मतलब बागी लेके वहां से निकल जाता, देखो मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे को लगा बंदा शायद अभी भी वहीं पे है, तो भाई इसको तो मैं अभी इजीली फिनिश कर लेता। उसके बाद देखो हमको यहाँ पे सर्कल में भी जाना था, तो भाई हम लोग सर्कल में जाते ना तब तक बाकी वाले बंदे तो खत्म ही चुके, मतलब सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए थे।
और भाई यहाँ पे देखो वेट ही कर रहे थे, तभी देखो एक बंदे को भाई मेरा टीममेट ही मारता है, दूसरा बंदा मेरे को एक्सप्लोड हो जाता है जो कि ऑलरेडी डैमेज होता है। जो पहले वाला गेम प्ले भी तुम्हें पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।